परिवारों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है। लेकिन इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको इसके सारे गुणों प्रबंधों की जानकारी रखनी अवश्य है। अगर इसके प्रबंधों में थोड़ी भी कमी आ रही है तो मुर्गी पालन भाइयों को लाभ के साथ साथ हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखें जानकारी हेतु कार्यक्रम का ये अंश। पोल्ट्री फार्म एक लाभकारी व्यवसाय है। ब्रायलर मादा पक्षी को कहते हैं जिनका शारीरिक वजन 6 से 8 सप्ताह की उम्र में मात्र 2.25 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम से अधिक हो जाता है। यह सिर्फ मांस के लिए पाला जाता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें थोड़ी सी पूंजी लगाकर शीघ्र अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस कार्य को परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। जिसके पास समय हो वो भी कर सकता है। ब्रायलर पालर उद्योग के लिए साधारण तय दिन के पूंजी ही खरीदे जाते हैं, यानी जन्म के 24 घंटे के मध्य तक ही मुर्गी पालन तक पहुंचाए जाते हैं। इन्हें 4 सप्ताह रूलिंग करने की आवश्यकता होती है। 6 सप्ताह के बाद बिक्री शुरू कर देनी चाहिए। ब्रायलर पालन के तरीके। पूंजी पालन के 6 सप्ताह से वजन 1.5 किलो तक का हो जाता है। अधिकतर ग्राहक इस तरह के ब्रायलर खरीदना पसंद करते हैं। ब्रायलर पालन के 2 तरीके हैं, ऑल इन ऑल आउट। ऑल इन ऑल आउट कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिन की आयु से लेकर 6 से 8 सप्ताह का पुंजा बड़ा होकर मुर्गे में तब्दील हो जाता है। स्वागत करता हूँ मवाना आरपी न्यूज चैनल में। आज हम आए हैं मेरठ जिले के बिसोला गांव में, जहाँ पर मुनेश पाल ने एक मुर्गी फार्म खोल रखा है। तो हम आपको इस बारे में बताएंगे कि क्या प्रक्रिया है मुर्गी फार्म की। तो चलिए आइए मेरे साथ। हेलो, क्या नाम है आपका? मुकेश पाल। हाँ, तो मुकेश जी ये बताइए कितने साल हो गए यहाँ पर मुर्गी फार्म चलाते? आठ या सात साल। तो सबसे पहले आपने कितने मुर्गों का यहाँ पर फार्म बनाया था? यहाँ पर मैंने सिर्फ 500 बच्चों का फार्म बनाया था। जो आपने शुरुआत की थी वो 500 बच्चों से शुरुआत की थी। तो लगभग आज जो मुर्गी फार्म है आपका कितने बच्चों का है? ये भी 8000 बच्चों का फार्म। अच्छा, तो इस पे जो आपने कितनी समस्या होती है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये बताइए। बच्चे इनको मुश्किलों है ऐसा कोई खास नहीं है, बस इनकी देखभाल है। ज़्यादातर तो ठंड में ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, गर्मियों में इतनी देखभाल नहीं करनी पड़ती। पर्दे वगैरह, दाना वाना, पानी वानी की देखभाल ज़्यादा है इनकी। ये जो छोटा बच्चा है आप कहाँ से लाते हो? वो भी पानीपत से आता है। पानीपत से। ये एक बच्चा कितने पैसे का पड़ जाता है? बच्ची जो भी रेट रहता है, इनके अलग अलग रेट रहे हैं। अंदाजा फिर भी अंदाजा 41 रुपये का बच्चा है। 41 रुपये का एक बच्चा चल रहा है, उसके बाद 40 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो मंडी किस रेट जाती है? मंडी भी रोज़ घटती बढ़ती है। मंडी के